खबर खास में और सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। रांची के राम प्यारी हॉस्पिटल में हंगामे की खबर मिल रही है। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ वहां से सीधे जुड़े हुए हैं। अंजनी का रुख करते हैं। अंजनी, राम प्यारी हॉस्पिटल से हंगामे की खबर मिल रही थी, क्या पूरा मामला है, क्या वहां से जानकारी है? देखिए आसिया, ये आईटी मेसरा के पास एक जगह है नेवरी, नेवरी का रहने वाला था नीरज, जिसकी उम्र 19 साल है और 15 दिन पहले सड़क हादसे में वो घायल हो गया था। जिस तरह से परिजन बता रहे हैं कि चेहरे पे चोट आई थी और यहाँ रामप्यारी हॉस्पिटल में इलाजरत था और 15 दिनों से इलाज चल रहा था और कल जो है, कल परसों जिस तरह से परिजन बता रहे हैं कि बेहतर स्थिति में थे, बातचीत भी वो कर रहा था। 19 साल उसकी आयु है, लेकिन देर रात जो है अचानक मरीज की मौत हो जाती है और जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से लापरवाही हुई है और जिसके कारण मौत हो गई है और मौत की सूचना भी जो है लेट से दी गई थी। तो परिजन परेशान हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं वहाँ नेवरी विकास से। क्या हुआ था नीरज को, क्या हो गया था? नीरज 8 तारीख को उसका रात में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग वहाँ से मेडिका लेकर आए, मेडिका में 2 दिन रखने के बाद वहाँ पे हम लोग वहाँ का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, जिसके चलते हम लोग रामप्यारी में लेके आए। रामप्यारी में लाने के बाद हम लोग 11:40 बजे हम यहाँ पे मतलब पेशेंट को एडमिट किए हैं। उसके बाद से इलाज चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 26 तारीख को पेशेंट का OT हुआ है। OT होने के बाद डॉक्टर हम लोग को बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है और मतलब 1-2 दिन में हम लोग का बैंडेड वगैरह खुलेगा तो हम लोग आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। रात में हम 6-7 बजे पेशेंट से मिले हैं, डॉक्टर साहब SN यादव भी मिले हैं, वो भी हम बोले कि सारा कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रात सुबह में 5-15 बजे हमको बोला गया कि आपका पेशेंट डेथ कर गया है और आप जाके देख सकते हैं, मिल सकते हैं। हम बोले ऐसा कैसे हो सकता है, सारा कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल होने के बाद अभी बोलता है 5:15 बजे कि आपका पेशेंट डेथ कर गया है, आप देख सकते हैं। जब वहाँ को सिस्टर जो अभी ड्यूटी में है उनसे पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ तो वो बोलती है कि हमको नहीं पता, वो बोलती है हमको नहीं पता। और वहाँ पे जो ड्यूटी आवर में 2 डॉक्टर है, वो डॉक्टर अभी बोल रहे हैं, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि हम लोगों को भी कोई पता नहीं है। तो क्या मतलब आप लोग कल भी बातचीत हुई थी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कि एकदम सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक इस तरह का हो गया। अंदर का पूरा सिस्टम करप्ट है, रात में वहाँ का डॉक्टर और सिस्टर सोती है रात को। तो देखिए मैम आसिया, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बड़े उम्मीद के साथ जो है निजी हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं और पैसे भी काफी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से नीरज की मौत हो गई है और नीरज की महज उम्र जो है 19 साल है। लेकिन अंजनी, अस्पताल प्रबंधन का ये दायित्व तो बनता है ना कि अगर मौत हुई है तो बताएं कि उसकी वजह क्या रही हो, कि उनके देखरेख में था डॉक्टर नर्स और डॉक्टर की ड्यूटी रात में लगी होती, आखिर रात में ऐसा क्या हुआ कि मरीज की मौत हुई, कुछ जवाब दे पा रहा है प्रबंधन? अच्छा, क्या ये प्रबंधन की तरफ से ये बताया गया कि क्यों मौत का कारण क्या है? कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल दे पा रहा है, कोई नहीं सामने आके फेस टू फेस बात तक नहीं करता है। नीरज क्या करता था? पढ़ाई? नीरज पढ़ाई कर, अभी ITI की उसका कंटिन्यू था पढ़ाई। देखिए कहीं ना कहीं जो है प्रबंधन की तरफ से कोई अभी कुछ बताना नहीं चाहता है, लेकिन परिजनों का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं लापरवाही से नीरज की मौत हुई है। और नीरज ITI कर रहा था और जाहिर सी बात है कि घर का एक सबका चाहता था, इसकी बहन भी है, सबसे छोटा है, बहन से भी बात करते। क्या नीरज से आपकी कब बातचीत हुई थी? मेरी नीरज से रोज बात होती है, ठीक है, मैं रोज आती हूँ, हर टाइम पे 2 टाइम होता है यहाँ पे मिलने का। और उसमें उसका ऑपरेशन हुआ है, 25 को हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ ठीक था। ऑपरेशन का 2 दिन हुआ, कल को लगा के, कल भी हमने मतलब मैक्सिमम मेरे फैमिली के लोग आए थे और वो लोग मिले। अंतिम बातचीत कब आपसे हुई? अंतिम मेरी बात हुई उससे 4:30 बजे मैंने बात किया है, और मेरे घर वाले जो भी आए थे मतलब लास्ट 5:30 बजे तक हम लोग उनके साथ थे। हाँ, SN यादव सर भी विजिट किए थे कल, ठीक है, तो मेरे मामा जी है वो उनसे बात किए, SN यादव सर खुद देखे है, सब कुछ मॉनिटर किया उन्होंने कि वो ठीक है, उसका सारा कुछ नॉर्मल है, ठीक है, ये स्टेटमेंट था उनका, वो ठीक हो जाएंगे करके। अचानक क्या हुआ, अभी कोई बता पा रहे नहीं?
हम यहाँ पे जब भी आए हमें इन्फॉर्म किया गया अचानक से डेथ का हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो देखिए आसिया, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये है कि अचानक ये बताया जाता है कि ये तो सरासर वाकई लापरवाही है। देखिए अगर आपके पेशेंट का डेथ होता और डॉक्टर ये नहीं बता पाए कि डेथ का रीजन क्या है तो वाकई सवाल उठता है अस्पताल पर। इन्होंने ज्यादा रकम होने की वजह से मेदांता से यहाँ पर पेशेंट को लाया था, यहाँ पर क्या फीस इनसे ले गई है, क्या इनसे पूछिए अगर इन्हें जानकारी हो क्या फीस इनसे ले गई या फिर अभी इनसे पैसों की मांग की जा रही है, कोई ऐसी खबर? ये बताइए आप लोग मेदांता से यहाँ लाए, यहाँ भी क्या मेडिका से यहाँ लाए, यहाँ क्या फीस स्ट्रक्चर था, कितना पैसा ले रहा था? सर यहाँ तो बोला गया कि 16,000 से 18,000 रुपया पर डे का खाली आईसीयू का चार्ज लगेगा, उसमें मेडिसिन बोला कि इंक्लूड रहेगा, आए तो मेडिसिन बोला कि वो एक्स्ट्रा जाएगा और उसके बाद भी मतलब डेली फोर्सेस आपको पेमेंट को लेकर के बोलेगा डेली फोर्सेस और मेडिसिन भी 30,000 से 40,000 का मेडिसिन दिया जा रहा है। ठीक है, अब तक का बिल कितना हो गया? अभी तो लगभग वही 8 लाख समथिंग हो गया है। तो देखिए जिस तरह से बताया जाता है कि प्रतिदिन जो है पेशेंट के परिजनों के साथ ये प्रेशर दिया जाता है कि आप पैसा जमा करें, मरीज का जब इलाज चल रहा है तो इस तरह से प्रबंधन की तरफ से इस तरह का प्रेशर नहीं देना चाहिए, जहां घर का एक चहेता बीमार है इलाजरत है और वैसे में मेंटल प्रेशर देने से परिजन भी परेशान हो जाते हैं। तो यही वजह है कहीं ना कहीं जो निजी हॉस्पिटल की जो मनमानी है, उनका जो व्यवहार है, कहीं ना कहीं तमाम लोगों को आहत करता है। भले नीरज अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन ये सवाल जरूर छोड़ जा रहा है कि आखिर प्राइवेट क्लिनिक की मनमानी कब समाप्त होगी। तो घर का चिराग हो गया है और अब जो है लोग बेहद परेशान हैं, मायूस भी हैं, लेकिन जिस तरह वाकई जिसके घर का चिराग बुझेगा वो आक्रोशित होंगे, मायूस होंगे और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है, जिससे लोगों में आक्रोश है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए।